आज 1 मई 2019 है, मैं अखबार भी अपने साथ लाया हूँ दिखाने के लिए कि जिससे कि डेट कंफर्म हो जाए। 1 मई 2019 मई दिवस है आज, मजदूर दिवस भी है। सबको, मजदूर भाइयों को शुभकामनाएं देना चाहूँगा मैं जागरूक उत्तराखंड की तरफ से। लेकिन आज यहाँ पे आने का जो मकसद है वो मैं पीछे दिखाना चाहूँगा आपको। आप जब श्रीनगर से पौड़ी आते हैं तो ये पौड़ी का एंट्रेंस है और यहाँ पे पिछले 3-4 साल से नगरपालिका पौड़ी यहाँ पे कूड़ा डंप कर रही है। और जब यहाँ पे कूड़ा डंप किया गया था तो उस समय ये बताया गया कि ट्रेंचिंग ग्राउंड की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो फिलहाल यहाँ पे डंप किया जाएगा और बाद में यहाँ से इसे हटा दिया जाएगा। लेकिन आज ये कूड़ा जो यहाँ पे है, ये यहाँ पे यहाँ स्थानीय जो लोग हैं उनकी उनके लिए मुसीबत का सबब बन गया है। बल्कि ये कहा जाए कि इससे तरह तरह की बीमारियाँ यहाँ पे फैल सकती है, क्योंकि इसमें कूड़ा तो डंप किया ही जा रहा है, उसके साथ साथ इसमें आग भी लगा दी जाती है। तो पिछली 28 तारीख से यहाँ पे आग लगा दी गई। नगरपालिका के कर्मचारी यहाँ पे आते हैं क्योंकि कूड़ा निस्तारित तो हो नहीं पाता, तो आग लगाकर इसका यहाँ पे निस्तारण करते हैं। जो कि जो NGT है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, जो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण हिंदी में जिसे बोलते हैं, उनके जो नॉर्म्स हैं कूड़ा निस्तारण के लिए, उसका साफ साफ उल्लंघन है, जिसके आधार पर नगरपालिका परिषद पर मुकदमा कायम हो सकता है। और इसी वजह से मैं अखबार भी साथ लाया था जिससे कि डेट भी इस्टेब्लिश हो जाए कि ये कितने तारीख का वीडियो है। यहाँ पर ये कूड़ा निस्तारण जो किया जा रहा है उसमें ये भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है कि यहाँ पे बड़ा आबादी क्षेत्र है। आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर जो है गढ़वाल विश्वविद्यालय का कैंपस है, यहाँ पे आबादी क्षेत्र है पूरा, ऊपर वाला जो इलाका है इधर आप देख सकते हैं बाईं तरफ। तो ये जो कूड़ा है सब जगह ये धुआं पहुँच रहा है। पीछे हमारी तरफ, मेरे इस तरफ यहाँ पे दाईं तरफ मैसमोर इंटर कॉलेज है, जो कि यहाँ बहुत पुराना इंटर कॉलेज है, जिसमें यहाँ के जो पुराने मुख्यमंत्री हैं खंडूड़ी जी वो भी पढ़े हैं। इसके अलावा कई जानी मानी शख्सियत इसी कॉलेज में पढ़ी हैं। चर्च है यहाँ पे, ईसाई समुदाय के भी यहाँ पे छोटे बड़े चर्च और भी हैं यहाँ पे। इसके अलावा बड़ी आबादी यहाँ पे रहती है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं नगरपालिका परिषद पौड़ी, पौड़ी प्रशासन और उत्तराखंड सरकार को चेताना चाह रहा हूँ कि ये वीडियो मैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को भेज रहा हूँ। आप अगर चाहते हैं कि आपके ऊपर कोई कार्रवाई ना हो तो आप जल्द से जल्द यहाँ से जो कूड़ा आप यहाँ पर डंपिंग करवाते हैं उसको शिफ्ट करें, क्योंकि बड़ी आबादी इससे प्रभावित हो रही है। लोगों के फेफड़ों में धुआं जा रहा है, उन लोगों को किसी भी तरह की सांस की बड़ी बीमारी हो सकती है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, अस्थमा हो सकता है, TB की बीमारी उन्हें हो सकती है। तो अगर ज़रूरत पड़ी तो एक जनहित याचिका भी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में डाली जाएगी। तो आप लोगों से अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी इस समस्या का समाधान कर दें, इस कूड़े को यहाँ से उठाकर कहीं और डालें, ढूंढें। यह आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि इसी वजह से आपको नगर पालिका का यहाँ पर काम दिया गया है कि आप सफाई की व्यवस्था को दुरुस्त करें। मेरे साथ यहाँ पे स्थानीय नवयुवक हैं अजय कुमार, जो कि इसी इलाके में रहते हैं। उनसे भी थोड़ा सा बातचीत करेंगे कि किस तरह की समस्याएं यहाँ पे रहती है। थोड़ा कंजेस्टेड इलाका है यहाँ पे, क्योंकि गाड़ियाँ निकलती हैं, तो अपने को दुर्घटना से भी बचाना है। तो मैं यहाँ पे जो क्रैश बैरियर है उसका सहारा ले रहा हूँ। अजय बताइए, किस तरह की दिक्कतें होती हैं? सर, दिक्कतें बहुत तरह की यहाँ पे हैं। सबसे पहली दिक्कत तो यह है कि यहाँ से आना जाना बहुत मुश्किल हो रखा है और इतनी बदबू यहाँ पर रहती है। उसके बाद यहाँ पर अभी इन्होंने आग लगाई है, 3-4 दिन हो गए और कुछ भी इन्होंने नहीं किया उसके लिए, और आग लगी हुई है। ये आप देख रहे हैं बस्ती लोग और जितने यहाँ से आसपास से लोग गुजरते हैं, बहुत परेशानी यहाँ से हो रही है। तो आप लोगों ने कभी इस बात को उठाया कि हटाया जाए? हाँ, हमने ये मुद्दा कई बार उठाया है, लेकिन कोई भी ऐसा सकारात्मक अभी तक रिजल्ट हमें नहीं मिला इसका। क्या उम्मीद है, क्या किया जाए? उम्मीद तो ये है सरकार से और जो प्रशासन है कि इसे जल्दी से जल्दी यहाँ से हटाया जाए, जिससे लोगों का यहाँ से जाना और यहाँ जो लोग यहाँ पर रहते हैं लोकल, उनको थोड़ा सा रहने में यहाँ पर अच्छा रहे उनके लिए, और एटमॉस्फेयर जो है अच्छा बने, क्योंकि वातावरण बहुत ख़राब हो गया इससे। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि अजय ने जो बात कही वो दुरुस्त है, और यही बात यहाँ पौड़ी का हर नागरिक कहेगा, चाहे वो इस इलाके में रहता हो चाहे न रहता हो।
या पौड़ी से बाहर से भी कोई यहाँ पे आता हो, क्योंकि पर्यटन नगरी के रूप में भी पौड़ी को प्रचारित किया जाता है कि आप यहाँ पे आइए, यहाँ से हिमालय दिखाई देता है, यहाँ बहुत अच्छी क्लाइमेट है। लेकिन इस तरह से जब आप पर्यटक का वेलकम करेंगे यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे पर्यटक का आना भी मुश्किल हो जाएगा। तो जागो उत्तराखंड के इस वीडियो के माध्यम से एक बार फिर गुजारिश है कि नगर पालिका परिषद, उसके जो यहाँ पर नुमाइंदे हैं, पौड़ी जिला प्रशासन, जिलाधिकारी पौड़ी, पौड़ी के विधायक और उत्तराखंड सरकार तुरंत इस वीडियो का संज्ञान लें। इसे यहाँ से जो कूड़ा यहाँ पे इलीगल तरीके से डंप किया जा रहा है, इसमें आग लगाई जा रही है, इसे यहाँ से हटाया जाए। अन्यथा जागो उत्तराखंड का ये वीडियो जो मैं एनजीटी को भेजी रहा हूँ, एक जनहित याचिका भी जागो उत्तराखंड को डालने पर विवश होना पड़ेगा, क्योंकि ये व्यापक जनहित का मुद्दा है। जागो उत्तराखंड के लिए पौड़ी से आशुतोष नेगी की रिपोर्ट।